देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। जी हाँ, अगर इसको एक खबर की तरह देखेंगे तो ये खबर यहाँ खत्म हो जाती है, परंतु अगर समय संकेत और शब्दों पर गौर करेंगे तो इस बात के और भी कई मायने निकलते हैं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री स्वयं एक पोस्ट के माध्यम से सूचना सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का सामंजस्य उस सूचना में दिखाई देता है, और सबसे महत्वपूर्ण समय, जिस दौर में देश राममय हो चुका हो, जिस दौर में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का सपना साकार हो चुका हो, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश लगती है। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसा नाम, अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो इस देश की राजनीति का अत्यंत प्रभावशाली चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने भाजपा को धरातल से लेकर शीर्ष तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने पार्टी से लेकर सरकार में अलग अलग समय में कई अलग अलग दायित्व बड़ी सफलता से निभाए हो, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने राजनीतिक उतार चढ़ावों को बहुत करीब से देखा हो, परंतु इस राजनीतिक पहचान से अलग लाल कृष्ण आडवाणी के नाम के जिक्र के साथ सबसे ज्यादा कोई दौर याद आता है तो दौर 1990 का दौर याद आता है। उनकी वो रथ यात्रा याद आती है जब उन्होंने एक रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर के मुद्दे पर एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि उस आंदोलन का ही असर था कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का विषय इस देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा। उस आंदोलन का ही असर था कि गांव गांव गली गली में राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे गूंजते सुनाई देते थे। उस आंदोलन का ही असर था कि कार सेवकों के एक बड़े जत्थे, कार सेवकों की एक बड़ी संख्या, राम भक्तों की एक बड़ी संख्या अपने प्रभु श्री राम के उस मंदिर के लिए संकल्पित दिखाई देती थी। उस आंदोलन का ही असर था कि आज हम प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उसके भव्यतम स्वरूप को देख पा रहे हैं। और अगर उससे इतर राजनीतिक प्रभाव की बात करूं तो उस आंदोलन का ही असर था जिसने लाल कृष्ण आडवाणी को उस दौर में सबसे लोकप्रिय राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया था। उस आंदोलन का ही असर था जिसने भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक मायनों में राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर किया था। उस आंदोलन का ही असर था जिसने NDA के लिए सत्ता में वापसी की राहें तय कर दी थी, तलाश कर दी थी। उस आंदोलन का ही असर था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते दिखाई देते हैं, और उस दौर के बाद 2002 आते आते उप प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं। हालांकि कहा जाता था कि ये भूमिका सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, आगे आने वाले दौर में इससे भी महत्वपूर्ण भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी का इंतजार कर रही है, मगर कहते हैं ना कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, और ऐसा लगता है कि 2002 के उस उप प्रधानमंत्री पद के बाद राजनीतिक अनिश्चितताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी के इर्द गिर्द अपना स्थायी आसरा बना लिया। 2004 आते आते NDA सत्ता से बाहर हो जाता है, UPA की सत्ता में वापसी होती है, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है, परिणाम प्रतिकूल आते हैं, वो PM इन वेटिंग बनकर रह जाते हैं। 2014 आते आते नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे के साथ सत्ता में वापसी करती है। खैर, 2014 के बाद भारतीय राजनीति नए चेहरों को आत्मसात कर लेती है, नई राजनीतिक पैटर्न दिखाई देते हैं, धीरे धीरे लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिकाएं कम हो जाती है, वो राजनीतिक खबरों से, सुर्खियों से बाहर दिखाई देते हैं, सुर्खियों में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम कम सुनाई देता है। हालांकि गाये बेगाये ये खबरें जरूर आती है, फिर वो चाहे राजनीतिक रूप से आए या फिर राम मंदिर के अभी के परिदृश्य में निकल कर आई थी, कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका क्या है, आखिर उनका महत्व क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या अब उनको पूरी तरह से हाशिए पर खड़ा कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें चलती रही है, इनकी कभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर गाहे बेगाहे ये बातें छन छन कर आती रही है। ऐसा लगता है कि आज की इस घोषणा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सवालों को एक बहुत सटीक जवाब देने की कोशिश की है। इस भारत रत्न की घोषणा के माध्यम से ये जताने और बताने की कोशिश की है कि लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। कहीं ना कहीं इस भारत रत्न की घोषणा के साथ ये जताने की कोशिश की गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी का महत्व क्या है। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के इस भव्यतम मंदिर के सपने के साकार होने के इस दौर में राम के रथ पर उस आंदोलन के अगुवा को पुनः इस देश का सर्वोच्च सम्मान देते हुए याद किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो उनकी भूमिका है, फिर वो चाहे राजनीतिक रूप से रही हो या फिर वो चाहे राम मंदिर के परिदृश्य में रही हो, वो इतनी बड़ी, इतनी विशाल हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को स्वतः ही भारत रत्न बना देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।